नदान उपमंडल के भरमोटी भाया हरमंदिर सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। जानकारी देते हुए एसडीओ नरेश कौशल ने बताया कि नदान उपमंडल के अंतर्गत दुसड़का से भरमोटी भाया हरमंदिर सड़क में टायरिंग बिछाने का काम ठेकेदार ज्ञानचंद को सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार एवं मजदूरों को मास्क पहनकर काम करने की हिदायत दी तथा सामाजिक दूरी अपनाने को भी कहा। इस सड़क निर्माण में हरमंदिर भरमोटी तकिया गाँव के लोगों को सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर बनी सड़क में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें कि सड़क के खस्ता हाल आए दिन किसी न किसी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे थे। सड़क बनने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा और होशियारपुर की तरफ आने वाले लोगों को ये रास्ता कम दूरी तय करने में मदद करेगा। अब लोगों को नदौन आने की जरूरत नहीं है, बिना किसी ट्रैफिक के लोग आसानी से अपना सफर भी तय कर पाएंगे। लगभग इसकी लेंथ जो है वो 3 किलोमीटर है और 1 करोड़ 72 लाख का इसका बजट है, जिसमें लगभग 75 से 80 लाख अभी तक खर्चा हो गया। और अभी लॉकडाउन के वजह से सारा काम रुका हुआ था और अभी दोबारा से हमने काम शुरू किया। और मोस्टली जो बिचुमन का काम है, लुक का काम है, ये लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो बाकी काम है उनको हम टेक ओवर करेंगे फिर। और चलो वो काम बढ़िया, अच्छी क्वालिटी में काम हो रहा है ऐसी कोई। जी सर, ये जो रोड बन रहा है भरमोटी मानपुर भरमोटी मानपुर भरमोटी, इसके लिए कितनी लागत आ रही है और कितना किलोमीटर है? 1 करोड़ 72 लाख का ये टेंडर हुआ था, 1.55 में अवार्ड है और ये 3 किलोमीटर लेंथ है इसकी। तो अभी हम इसकी टायरिंग का काम कर रहे हैं और जो भी मटेरियल है वो अच्छी गुणवत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़िया रोड बनेगा।